शीशी ने भी क्या खूब कहा है, अभी तक कांच हूं तो चुभता हूं, एक दिन मैं भी आईना बन जाऊंगा तो पूरी दुनिया मेरी तरफ देखेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन एक ऐसे बालक के बारे में बात करने जा रहे हैं, शायद उसकी उपलब्धियां आपके किसी काम आ सके। कहानी स्पेन के एक 10 वर्षीय बालक की है। बालक ने जैसे ही अपने आप को समझना शुरू किया, वैसे ही उसने पाया कि वह खेलों में रुचि रखता है और उसकी फुटबॉल में बहुत ही रुचि थी। उसने अपने माता-पिता को बताया कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं और आने वाले दिनों में मैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनूंगा। माता-पिता बड़े ही हर्षित हुए, क्योंकि बच्चों की उपलब्धियां माता-पिता के लिए बड़ी उपलब्धियां होती है। बच्चे ने जैसे ही अपने माता पिता के समक्ष ये इच्छा रखी तो माता पिता भी प्रसन्न होकर उसे कोचिंग सेंटर ले गई और उसे एक कोच के पास ले जाकर रख दिया। उसे कहा कि बेटा, ये तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाएंगे, तुम मन लगाकर यहाँ पर सीख सकते हो। और जब कोच के सामने यानी गुरु के सामने जब शिष्य गया तो उसने उसी उत्साह के साथ कहा कि सर, मैं एक ऐसा फुटबॉलर बनूंगा कि आगे जाकर आप मुझ पर गर्व करेंगे, मैं आपका नाम रोशन करूंगा और एक दिन देख लेना, रियल मैड्रिड की तरफ से मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। और ये बातें सुनकर गुरु भी बड़े ही उत्साहित हो गए और उन्होंने बच्चे की हौसला अफजाई के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। बच्चा पूर्ण उत्साह में था और इस उत्साह को देखकर शिक्षक में भी उत्साह भर गया। उन्होंने पूरी कोशिश की, हर एक दांव, खेल का हर एक रूल उसे सिखाया। पूरे मन से वो फुटबॉल सिखाते थे उस बच्चे को। और वो बच्चा सीखते सीखते 10 साल से 20 साल की उम्र कब पार कर गया पता ही नहीं चला। जब वह 20 वर्ष का हो गया, उस समय रियल मैड्रिड उसका चयन करने ही वाला था। उसी दिन शाम को वह घूमने गया हुआ था, गाड़ी में था, अपने मित्रों के साथ था और एक दुर्घटना घटी। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि लड़का हॉस्पिटल तक पहुंच गया। एक बड़ी ही दुखद घटना। हॉस्पिटल पहुंचा जो पहुंचा, परंतु सूचना माता-पिता के पास ये पहुंची कि तुम्हारे बच्चे की रीढ़ की हड्डी के नीचे का पूरा अंग है, वो पैरालाइज हो चुका है। उसका अंग, अब कोई भी अंग काम नहीं करेगा। जब माता-पिता के पास यह सूचना पहुंची तो माता-पिता बड़े उदास हो गए। वो उस दिन को याद कर रहे थे जिस दिन एक उम्मीद लेकर उनका बच्चा उनके सामने आया था। आज वो अपने ही बच्चे का सामना कैसे करेंगे? हिम्मत जुटाई, अपने बेटे के सामने गए और बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, हकीकत ये है, हमें बड़ा दुख है कि तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा सपना, जिसके लिए तुमने मेहनत भी की, तुम जहां पर पहुंचने वाले थे, और ईश्वर का कारनामा देखो कि तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। बच्चा भी बड़ा दुखी हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वह करे तो क्या करे। खुदा की मर्जी के आगे किसी की चलती भी तो नहीं है। और कुछ भी हुआ होता, बच्चे को अगर कोई बुरी लत होती तो माता-पिता प्रयास करके उसे संभाल सकते थे, उसे समझा सकते थे। बेटा भी ऐसा कि इतना उत्साही अपने करियर को लेकर। थोड़े समय तक उस लड़के को बहुत दुख हुआ, अपने आप में इतना नकारात्मक सोच रखने लग गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं लायक नहीं हूं, मैं अन्य बच्चों की तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। परंतु 1.5 साल के दौरान जब वह हॉस्पिटल में रहा तो उसने एक परिवर्तन किया। बैठा रहता, समय नहीं निकल पाता था तो उसने छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया। उसकी लिखने में रुचि बनने लगी तो धीरे धीरे उसने कविताओं से गाने लिखने तक का सफर शुरू कर दिया। 1.5 वर्ष में वह अच्छे गाने लिखने लगा और अकेला बैठा बैठा गुनगुनाने भी लगा। जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आया तब तक उसमें दूसरे लक्ष्य के प्रति रुचि बन चुकी थी। और 5 वर्ष बाद
एक बड़ी सूचना आई कि स्पेन का एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर निकल कर आया है। नाम था जूलियो इटेलियस। ये स्पेन का पॉपुलर सिंगर, 20,000 करोड़ तक के उसके एल्बम बिक चुके हैं। ये एक हकीकत है। हम एक असफलता में इतने बुरी तरह टूट जाते हैं, और दुखद बात तो ये है कि वर्तमान में लोग आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। परंतु इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी है। उस खुदा की मर्जी के आगे भी अपन अपने आप को रख सकते हैं, हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, जैसा कि जूलियो ने अपने आप को साबित करके दिखाया। 5 साल में उसने इतनी ज्यादा मेहनत की कि जितना वो अपने फुटबॉल के लक्ष्य के प्रति समर्पित था, उतना ही उसने उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर दिखाया। और जिसके प्रति अपन समर्पित हो जाते हैं, दुनिया की मजाल ही नहीं है कि अपने को पीछे छोड़ दे। धन्यवाद।